तो कम्बेट का आप एडवांटेज कैसे लेंगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोगों का थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा, चाहे वो गेट अकेडमी का स्टूडेंट हो चाहे नॉन गेट अकेडमी का स्टूडेंट है, अपने पास कम्बेट का कलेक्शन होगा, आप अपने प्रिपरेशन मोड को एकदम फास्ट कर लो कि मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो फिर क्या गेट में और कुछ रखा थोड़ी है। वेलकम टू गेट अकेडमी, मैं आज आप लोगों को ये बात करने वाला हूँ कि जैसे हम लोग कम्बेट देना चालू किए, ठीक है, तो कम्बेट का आप एडवांटेज कैसे लेंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर कम्बेट को कैसे यूज करें, तो मैं बोल रहा हूँ कि कम्बेट को जबरदस्ती आप ओपन ना करें। कम्बेट में आप क्वेश्चन ओपन कर रहे हैं, क्वेश्चन ओपन करने के बाद आपको लगता है कि टॉपिक आपके पास अगर आपको पता है, हम ट्राई करेंगे आने वाले समय में कि कम्बेट में टॉपिक लिख दे जिससे कि आपको आइडिया रहे कि इस टॉपिक में मेरे को जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि कम्बेट में हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको दे, गुड थॉट प्रोसेस पे बेस्ड क्वेश्चन दे। तो कम्बेट को अगर आप ओपन कर लिए उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके लोगों के आंसर देख रहे, तो फिर आपकी क्रिएटिविटी का कोई एडवांटेज ही नहीं हुआ। तो इतना अच्छा क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो आपका अगर वो सब्जेक्ट रेडी नहीं है तो आप कम्बेट उस सब्जेक्ट में ना जाए जब तक कि उस सब्जेक्ट को आप रेडी ना कर ले, क्योंकि कम्बेट में हम लोग गुड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो आप क्या करें, कॉपी बना लें अलग से, एक टेस्ट सीरीज की जैसे कॉपी बनाए होंगे, आप चाहो तो कम्बेट की भी एक कॉपी बना सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनाना है, एक ही कॉपी कम्बेट के नाम से। और उसमें ना, क्योंकि हम नेक्स्ट जितना भी चलता रहेगा टाइम, क्योंकि ये कम्बेट देने के पीछे ये जो मेन जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ये है कि लोगों का थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा, मेरे स्टूडेंट जितने गेट अकेडमी के स्टूडेंट हैं, जितने नॉन गेट अकेडमी स्टूडेंट्स हैं, पूरे इंडिया के जितने लोग हैं, जो लोग अच्छा करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ कोई हमको ना अच्छे क्वेश्चन को हमको थॉट प्रोसेस में हमको प्रोवाइड करे। तो जितने लोग भी इंडिया में, चाहे वो गेट अकेडमी का स्टूडेंट हो चाहे नॉन गेट अकेडमी का स्टूडेंट है, अगर वो एफर्ट करना चाहता है, अगर वो अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव करना चाहता है और वो अच्छा सोचना चाहता है, तो बिल्कुल उसकी हेल्प होना चाहिए और उसको एडवांटेज मिलना चाहिए। तो कम्बेट का मैं फॉर्म ही इसलिए लाया, तो आप देख रहे होंगे कि आपको हम लोग क्वेश्चन हर दिन एक एक दो दो क्वेश्चन तो आपको कम्बेट के फॉर्म में आ रहे हैं। तो अगर आप इसको मेंटेन कर लिए मतलब अगर आप इसको नवंबर पूरा मेंटेन कर लिए, दिसंबर मेंटेन कर लिए, इवन जनवरी मेंटेन कर लिए, तो आने वाले 3 महीने में अपने पास कम्बेट का कलेक्शन होगा। लगभग हम ट्राई करेंगे कि सभी सब्जेक्ट को कवर कर सके, हो सकता है एक दो सब्जेक्ट इधर उधर हो जाए, तो हम ट्राई करेंगे कि लगभग सभी को कवर कर सके। तो फिर ना, और जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हमारा सिविल वालों का तो नहीं आ रहा है, मैकेनिकल का भी चालू हो गया, सिविल का भी ट्राई करेंगे कि सिविल का भी कम्बेट देंगे करके, ठीक है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि सभी ब्रांच का कम्बेट देते, और स्टूडेंट लोग को एडवांटेज मिलना चाहिए, मजा आना चाहिए, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी कम्बेट में सब लोग इन्वॉल्व होना चालू हो गए, जैसे ही कम्बेट आता है सब लोग अपना अटेम्प्ट देना चाहते, वैसे ही सब लोग क्वेश्चन पेन पेपर लेके बैठ जाते। एक और चीज़ मेरे को लगता है कि मेरे को जो इम्प्रूव करना चाहिए, मेरे को लगता है कि टाइमिंग जो रहना चाहिए, जो टाइमिंग होना चाहिए वो एक परफेक्ट टाइमिंग अपन रखते हैं, तो हो सकता है कि मैं अपनी टीम से बात करूंगा और एक परफेक्ट टाइमिंग रखेंगे जिससे कि आप लोग उसी समय क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आपको पता रहे कि इतने बजे कम्बेट आने वाला है। तो हो सकता है कि आपको बार बार चैनल में जाके देखना ना पड़े कि कम्बेट आया कि नहीं आया, बार बार आपको गेट अकेडमी का चैनल विजिट करना पड़ रहा है। वैसे तो नोटिफिकेशन आता है, बट फिर भी कई बार होता है कि स्टूडेंट बार बार चैनल में जाके देख रहा है कम्बेट आया कि नहीं, कम्बेट आया कि नहीं। तो ठीक है, तो एक सिक्वेंस को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ इंप्रूव करना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कम्बेट का एडवांटेज लो, आप टॉपिक पढ़ो, उस सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से समझते हो, टेस्ट सीरीज दो, कम्बेट दो, इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन के साथ चीज़ें अच्छी होगी। तो कम्बेट का ना एक अलग से कॉपी बना लो, बहुत प्रॉपर फॉर्म में नोट करो, कंसेप्ट को नोट करो। जैसे मैं कंट्रोल सिस्टम में कम्बेट दिया हूँ, तो फिर मैं बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट की बात किया हूँ। अभी मैं नेटवर्क के भी कम्बेट के कुछ अच्छे ट्रांजिएंट के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको मजा आएगा। तो जब जैसे जैसे आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, तो फिर आपको ना मन करेगा, आपको सोचो इससे हो क्या रहा है। मेरे को ऐसे लगता है आप कम्बेट का वेट कर रहे हो, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वेट कर रहे हो, आप ये इंटरेस्ट ले रहे हो कि यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बाकी लोग क्या देते। यही तो चाहिए टेक्निकली। एक बार आपको अगर मजा आना चालू हो जाए कि भाई हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर आपकी फीलिंग स्ट्रांग हो जाए कि मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो फिर क्या गेट में और कुछ रखा थोड़ी है, फिर तो क्या गेट वाले पार्ट को भी हम अच्छे से एंगेज करेंगे। तो टेक्निकली फीलिंग ही तो इंपॉर्टेंट होती है कि आप टेक्निकली फील करते हो कि मेरे को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे मेरे को क्वेश्चन देना है, एक न्यू क्वेश्चन में मेरे को सोचना कैसे है। तो कम्बेट में आपको सब देखने का मौका मिल रहा है, ऊपर से आपको सुनने का मौका मिल रहा है, जो वीडियो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आप ध्यान से सुन रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको एडवांटेज देगी, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कंसेप्ट अच्छे होंगे, तो हो सकता है कॉम्पिटिशन डे बाई डे और बिग होते जाए, लेकिन मजा है, सब चीज़ों का मजा है। कॉम्पिटिशन बढ़ना है, बढ़ने दो, अपना एफर्ट आप बेहतरीन टाइप से मारो। मैं तो नहीं सोच रहा हूँ कि मैं इतना सारा कम्बेट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे ये वीडियोज़ देख रहे होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो बाकी
इंस्टीट्यूट है वो मेरे इस कम्बेट के वीडियोस को देख रहे होंगे, अगली बार तो वो अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव करेंगे, फिर वो अगली बार तो वो लोग भी पढ़ाएंगे। मैं तो इतना सोच ही नहीं रहा, मैं तो सोच ही नहीं रहा कि कोई मेरे कंसेप्ट को ले लेगा, फिर कंसेप्ट को ले लेगा तो वो भी ये सही बात करेगा। मैं चाहता हूँ कि लोग ले, क्यों? क्योंकि अगर कोई टीचर अगर इन सब चीज़ों को लेके एक स्टूडेंट को अगर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मैं पूरे इंडिया में तो मैं हूँ नहीं, तो अगर वो किसी स्टूडेंट को अगर प्रोवाइड कर रहा है तो हो गया एडवांटेज। तो मैं यही तो चाहता हूँ कि पूरा टीचर का जो कम्युनिटी है वो भी गेट अकेडमी के चैनल को फॉलो करे, वो भी देखते रहे कि कंटेंट्स क्या क्या है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम सबसे बेस्ट है, हमसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, लेकिन कोई टीचर अगर कोई टीचर पावल टाइम्स के, जैसे मैं वीडियो दे रहा था तो पावल टाइम्स के वीडियो देख रहा है, उसको लग रहा है हाँ यार ये दो क्वेश्चन तो उसको गुड लगे, हो सकता है उसको सब क्वेश्चन गुड ना लगे, लेकिन उसको दो क्वेश्चन गुड लगेंगे, तो वो अगर दो क्वेश्चन को ले लिया तो अगली बार वो जब भी जहाँ जहाँ पढ़ाएगा, जिस भी कोचिंग में पढ़ाएगा, जहाँ भी जैसे फ्रीलांसर जो भी रहते हैं आपके पास हर जगह जो पढ़ाते, तो वो अपने स्टूडेंट लोगों को बहुत बेस्ट देगा। तो ओवरऑल क्या हुआ आपके पास कि एक स्टूडेंट की जो कम्युनिटी उसको एडवांटेज होना चालू हुआ। मैं तो चाहता ही था कि ऐसा हो करके, ठीक है, तो जो सोशल कॉज है कि जिसके कारण पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी को अपन कनेक्ट कर सकते, वो हो गया। तो सब टीचर, पूरे स्टूडेंट लोग, सभी लोग फॉलो करेंगे। कॉलेज का टीचर भी अगर ये सब चीज़ों को देखता, सोचो अगर एक कॉलेज का टीचर अगर इन सब कंटेंट्स को देखता है, जब वो कॉलेज में पढ़ाएगा, अलग बात है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का नहीं पढ़ाएगा, लेकिन जब वो कॉलेज में पढ़ाएगा तो उसका कंसेप्ट सोचो कितना अच्छा हो जाएगा। फिर वो भी इतना बेहतरीन टाइप से वर्कआउट करेगा, वो देखेगा कि यार कितने डेडिकेशन के साथ गेट अकेडमी वाले अपने वीडियोज़ को देते, कितने डेडिकेशन के साथ कंसेप्ट की बात करते। तो अगर पूरे इंडिया के अगर 50 से 100 टीचर अगर फॉलो कर लिए इन चीज़ों को, तो सोचो उनके स्टूडेंट को कितना फ़ायदा होगा। जो 2-3 ईयर्स तक, जो सेकेंड ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक जो बी करते रहेंगे, उनको अगर कोई टीचर इतने अच्छे फॉर्म में बात करेगा तो कितना एडवांटेज हो जाएगा, इट्स टू गुड। तो ओवरऑल बहुत एडवांटेज हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन मोड को एकदम फास्ट कर लो, ठीक है। अभी अपन जो 3 मंथ होने वाले हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन की बात करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को देंगे। आप बस अपना पढ़ते जाओ, आप पढ़ते जाओ, अपने थॉट प्रोसेस को बहुत बेहतरीन रखो, और जो भी कम्बेट का फॉर्म आ रहा है, कुछ कंसेप्ट वाले वीडियो भी दूंगा, जैसे मैं थोड़ा सा फ्री होऊंगा कुछ कंसेप्ट वाले वीडियो भी दूंगा। अभी तो कम्बेट के फॉर्म में दे रहे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कम्बेट ही चलते रहेगा गेट के एंड तक, अपन ट्राई करेंगे कि कुछ अच्छे कंसेप्ट पे बेस बात कर सके, जैसे मैं कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक की बात कर सकूंगा आगे, तो देखेंगे क्या क्या हो सकता है। आप जानते हो कि मैं प्रॉमिस करने से डरता हूँ, सोशल मीडिया में प्रॉमिस करना रिस्की होता है। आप प्रॉमिस कर दिए और बाई चांस नहीं हो पाया तो फिर तो आसान नहीं है ना सोशल मीडिया में, आप कुछ भी ऐसा प्रॉमिस मत करो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कम प्रॉमिस करूँ, कंटेंट ज़्यादा दूँ और आपको मजा आए, तो ठीक है। गेट अकेडमी और नॉन गेट अकेडमी स्टूडेंट जितना भी एडवांटेज ले सक रहे, मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी हम लोगों को लाइक नहीं करते वो भी एडवांटेज लो, ठीक है। किसी ना किसी दिन तो आपको फील होगा, जितने लोग भी गेट अकेडमी को लाइक नहीं करते होंगे, हो सकता है गेट अकेडमी हेटर्स हो या मेरे को लाइक नहीं करते होंगे, हो सकता है कि कुछ लोगों का जो थॉट प्रोसेस होगा, सोचने का तरीका होगा, मेरे रिस्पेक्ट में वैसा नहीं होगा। उनको बहुत सारे लोग सोचवा दिए होंगे कि मतलब ऐसा होता है कई बार कि मेरे अराउंड के जो लोग हैं उनको कई बार लोग नेगेटिव करने का ट्राई करते, तो जितने भी लोग ट्राई किए होंगे नेगेटिव करने का, एक ना एक दिन आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपका मैसेज जरूर आएगा। क्योंकि मेरी 14 ईयर्स की जर्नी में ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोग मेरे को 5-5 साल 6-6 साल बाद मेरे को मैसेज करते सॉरी करके, तो ठीक है मैं वेट करते रहता हूँ। अगर कोई थोड़ा भी नेगेटिव अगर है प्रेजेंट टाइम में, तो वो बाद में जरूर, जब भी अकेला होगा, जब भी वैसे लोग जो उसको इन्फ्लुएंस करते होंगे, जब वो लोग उसके साथ में नहीं होंगे, जब वो अकेला होगा, एक ना एक दिन तो किसी का दिमाग काम करेगा, तो उसको आइडिया होगा कि हम लोग बहुत ट्राई करते अच्छा प्रोवाइड करने का, किसी को भी हम लोग चीट करने का प्लान नहीं करते। 2004 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2018 आ गया, 14 ईयर्स में ऐसा कभी प्लान नहीं किया गया कि किसी को चीट किया जाए। 14 ईयर्स हो गया, तो चीटिंग वाला पार्ट कभी रहा नहीं, तो आज क्या रहेगा, ठीक है। बट ठीक है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है प्लस माइनस, बट मेरे को पता है कि एक ना एक दिन अगर जितने लोग भी लाइक नहीं कर रहे, डिसलाइक कर रहे, वो सब लोग लाइकिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मेरी ड्यूटी बनती है कि उन सब लोगों को लाइकिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर वो फेक आईडी से भी लिख रहा है तो उसको फील होना चाहिए कि वो लिख ना पाए, उसको सोच में पड़ना पड़ेगा कि वो किसके बारे में लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। ऐसा धीरे धीरे ना सिचुएशन लाएंगे, इतना वर्कआउट हम करेंगे, इतना अच्छा कंटेंट देंगे कि कोई डिसलाइक करने से पहले 5 बार सोचेगा कि डिसलाइक किसको किया जा रहा है या किसके बारे में। फेक आईडी से भी अपन लिख रहे तो वो अपन को लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। इट्स ओके, हम अपनी ड्यूटी करते रहेंगे और आप एडवांटेज लेते रहो कम्बेट के क्वेश्चन का, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैकेनिकल में भी कम्बेट चालू हो चुका है, सिविल वाले को भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि दिनों दिन हम लोग ट्राई करते जा रहे हैं कि आपसे जो कनेक्शन है वो अच्छा होते रहे, तो ठीक है। इस कम्बेट का अच्छे फॉर्म में एडवांटेज लेना, इसको अच्छे से यूज करना। अगर आप कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़े हो और आप दिसंबर में पढ़ने वाले हो, आप दिसंबर तक इस कम्बेट के इस वीडियो को ओपन मत करो। लास्ट में आप जितने भी क्वेश्चन कम्बेट के जमा होंगे, एक बार में
आप जैसे टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हो वैसे कम्बेट को अटेम्प्ट करना, उसके बाद वीडियो जरूर देखना सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन में मैं जितनी बात करूंगा वो बहुत अच्छी होगी, वो बहुत आपके काम की होगी, वो बहुत कनेक्टेड बात होगी, आपको मजा आएगा। इसलिए आप ना आप अपने मोड को फास्ट कर दो। अगले नेक्स्ट जो 3 मंथ है हमारा, नवंबर दिसंबर जनवरी, इस 3 मंथ में ना इतना फास्ट फास्ट रिवीजन, इतना फास्ट कंसेप्ट, फास्ट एप्लीकेशन, इतना माइंड सेटअप अच्छा कर दो कि एग्जाम में जब अपन एंट्री मारेंगे तो बहुत अच्छा कंसेप्ट के साथ मारेंगे। और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एग्जाम के बाद पूरे आपके इंडिया के जितने भी लोग हैं उनका रिव्यू लेना कि वो लोग को क्या क्या चीज़ें लगता है कि और इम्प्रूव करना चाहिए, या उनको कितना मजा आया कम्बेट में। मैं गेट के एग्जाम के बाद जरूर बात करूंगा आप लोगों से इस बारे में, ठीक है। तो अपन देखते हैं जो नया जो हम थॉट प्रोसेस लेके आए कम्बेट, उसका कितना एडवांटेज आप लेते हैं। तो चलो फिर मैं नए वीडियो में आपसे बात करूंगा, रूबरू होऊंगा, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन मोड को ऑन रखो। ओके, थैंक यू।